कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेगी। इसी के तहत 30 अगस्त को राहुल गांधी ने मैसूर में राज्य सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि इस योजना के लॉन्च होने से परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी। सरकार के 100 दिन हुए हैं, सरकार 100 दिन इवत मुगसिदे और जो हमने वायदे पूरे करने थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। इवत्तु नावु निमगे कोट्टिरतक्कंत भरोसेगळन्न ईडेरिसिदीवि नुडदंते नडेदिदीवि अंत हेळ्तीवि। और आज मेरी बहन ने मेरे हाथों पे राखी बांधी। इवत्तु बर्ता इरबेकादंत संदर्भदल्लि ओंदु तंगी ननगे राखीन हाकिदारे। और रक्षाबंधन का दिन है, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿವಸವಾಗಿದೆ। ಇಸಿಲಿಯೆ ಹಮ್ನೆ ಜೋ ವಾಯ್ದಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಮಾತಾಓ ಬಹನೋ ಸೆ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಆಜ್ ಹಮ್ ಪೂರಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಇಸ್ಸೆ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती है। सरकार अंतकंत मातन्न ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ। ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಮಾತನ್ನ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेगी। इनमें हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल, 2 साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपये महीने का भत्ता और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा शामिल है।